बना ले यार, तो का सिलेंडर रखो तो घर में। अरे अबे 3-10 वो तो यार किस चीज़ का गोदाम था, किस में आग लगी और किस तरह से आप लोग ने काबू पाया? आग की सूचना हमारे एफएस कंट्रोल पे मिली कि मोमिनाबाद चौराहे पे कबाड़ की दुकान है, इसमें आग लगी है। इस पर 2 गाड़ियां तत्काल मूवमेंट की और घटनास्थल में पहुंची। आबादी घनी होने के कारण रास्ता बड़ा सकरा था, तो बहुत मुश्किल एक गाड़ी घटनास्थल नज़दीक तक पहुँचाएगी और बाकी के 5 होज पाइप बिछा कर दूसरी गाड़ी से पंपिंग कर आग को बुझाना प्रारंभ किया। तत्काल अग्नि की बढ़ती हुई संभावना को देखते हुए दूसरी गाड़ी और फायर स्टेशन से कॉल करके मंगाई गई और रिले पंपिंग करके 2 गाड़ियों के सहयोग से 5 होज पाइप के द्वारा पानी ट्रांसफ़र करते हुए एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में आग को बुझाया गया। अभी जानकारी से पता नहीं चल पाया क्या किन कारणों से लगी। काफ़ी बड़ा गोदाम और घनी आबादी में है, चारों तरफ से आवास बने हुए हैं, पतली गली होने के कारण थोड़ा सा कठिनाइयाँ भी हो रही हैं आग बुझाने में, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लिया गया है। अब कारणों का पता किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शुक्ला। किस चीज़ में आग लगी थी और कैसे बुझाई गई है, कितनी गाड़ी आई थी? ये एक इंद्रेशगंज में कबाड़ की दुकान है, घनी बस्ती में। जो सूचना मिली कि इसमें आग लगी है, तो हम लोग आए तो 3-4 गाड़ियाँ लेके आए, आग बुझाना शुरू किए, तो अब लगभग 90% कंट्रोल हो गई है और बुझाई जा रही है। कबाड़ काफ़ी भरा हुआ है, बड़ा गोदाम है, कंट्रोल कर लिया है, आग बुझाई जा रही है। कारण अब नहीं पता चल पाया है किस कारण से आग लगी है। भैया किस चीज़ का ये गोदाम था, कितने का नुकसान हो गया? गोदाम था, इसमें आग लग गई 2:30 बजे रात को, 2:30 बजे रात को, और 5 गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई कि जो है आग बुझाई है, इसमें लाखों रुपये का नुकसान हो गया। क्या नाम है आपको? सरकार।